कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो का निधन हो गया है। 3:45 में मांडर स्थित लिवियंस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और मैं इस वक्त बिशप हाउस में हूँ और आप बिशप हाउस में देखेंगे उनकी एक जो तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ सिस्टर्स हैं और आप देख सकते हैं कि इस साइड इस तरफ आप देखेंगे तो फ्रांसिस पोप फ्रांसिस के साथ कार्डिनल साहब की जो तस्वीर है वो अब एक पुरानी याद के तौर पे देखा जा सकता है। और आपको बताते चले कि इस बिशप हाउस में लगभग कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो लगभग 15 से 16 साल यहाँ पे रहे, क्योंकि रांची आर्च डायसिस के वो आर्च बिशप भी थे। तो एक पुरानी याद है। और यहाँ जब वो रहा करते थे तो काफ़ी यहाँ चहल पहल काफ़ी हुआ करती थी। और इसी जगह से वो कई गरीबों को उन्होंने मदद किया। और कार्डिनल जब बने थे तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिशप हाउस तक लोगों की सड़कों के किनारे एक लंबी लाइन लगी थी। ये देखेंगे हम सेक्रेटरी साहब के केबिन में हैं। यहाँ जो पुरानी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे निकाली जा रही है। और ये इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। और ये आप देख सकते हैं ये जब कार्डिनल बने थे। और ये तस्वीर कब की है बता सकते हैं? तो ये देखिए पुरानी जो तस्वीरें हैं उसको आप देख सकते हैं। और फादर ये बताइए ये किन के साथ ये तस्वीर है? ये पोप हैं। तो ये देखेंगे ये जो पुरानी तस्वीरें हैं वो अब यहाँ पे निकाली जा रही हैं। और ये तस्वीरें अब यादगार के तौर पे देखा जा सकता है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। और यहाँ देखेंगे पोप के साथ ये तस्वीर है। और भी तस्वीर है तो थोड़ा दिखा सकते हैं। ये बिशप हाउस में जो है लगभग 16 साल वो रहे थे। और कई कार्यक्रमों में आप देखेंगे तो कार्डिनल साहब के साथ बंधु तिर्की हैं। तत्कालीन उस समय वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। और आप देखेंगे बच्चों से उन्हें काफ़ी लगाव हुआ करता था। और समाज के जो पिछड़े तबके के जो लोग थे उनके साथ उनकी एक लगाव रहता था। और आप तमाम लोगों को बता दें कि कार्डिनल साहब जो हैं एक अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। और यहाँ जब मैच होती थी फादरों के बीच में तो वो खुद फुटबॉल भी खेलते थे। हमारे साथ कुछ फादर हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। फादर एक चीज़ बताइए कि ये देखिए ये पुरानी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये मुझे जहाँ तक याद है कि ये पोप फ्रांसिस की तस्वीर है और उनके साथ कार्डिनल हैं। और ये छोटी छोटी जो तस्वीरें हैं एक यादगार के तौर पे आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कार्डिनल साहब धर्म निरपेक्षता को लेकर के वो काफ़ी काम करते थे। और ये तस्वीर आप देखेंगे तो झारखंड सद्भावना मंच, और ये अमूमन जो है सभी धर्म जाति के लोग एक मंच पे होते थे। और उनकी एक दिली तमन्ना थी कि सभी लोग मिल के रहें, शांतिपूर्वक रहें, ये अपील वो करते थे। तो अब एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब उनकी जो यादें हैं उन यादों को एक जगह समेटा जा रहा है और इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। और ये तस्वीरें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार रांची।